उपायुक्त सह अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति श्री शशि रंजन की अध्यक्षता में आज डिस्ट्रिक्ट इंडेमिनिटी सब कमेटी की बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त के कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक में फैमिली प्लानिंग इंडेमिनिटी स्कीम के तहत चैनपुर प्रखंड के शाहपुर सेमरटार निवासी अयोध्या चौधरी की पत्नी माया देवी के नाम 2 लाख रुपए मुआवजा राशि दिए जाने संबंधित निर्णय लिया गया। इसे लेकर प्रस्ताव तैयार कर स्वास्थ्य विभाग को भेजा जाएगा और विभाग की स्वीकृति मिलने पर माया देवी के आश्रितों को मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी द्वारा सभी सदस्यों का अभिनंदन करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की। उनके द्वारा बताया गया कि चैनपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 29 दिसंबर 2020 को आयोजित महिला बंध्याकरण शिविर में 30 मरीजों का ऑपरेशन हुआ था। उसमें एक माया देवी भी थी जिसका बंध्याकरण किया गया था। ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति ठीक थी, लेकिन रात्रि में उनका बीपी एवं पल्स रेट कम होने लगा। स्थिति को देखते हुए वहां तैनात चिकित्सक एवं एएनएम द्वारा उनका इलाज किया गया। साथ ही बेहतर इलाज हेतु मेदनी राय मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के क्रम में मरीज की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद विभाग की ओर से तत्काल सहायता हेतु 10,000 रुपए प्रदान किए गए थे। बैठक में 50,000 रुपए तत्काल देने की स्वीकृति दी गई। साथ ही प्रावधान अनुरूप शेष राशि प्रदान किया जाएगा। उपायुक्त श्री शशि रंजन ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि किसी भी स्थिति में परिवार नियोजन ऑपरेशन में मरीज की मृत्यु न हो, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाए। उन्होंने कहा कि पलामू में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दिए जाने को लेकर तत्परता दिखाए, इलाज में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। बैठक में उपायुक्त श्री शशि रंजन के अलावा सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी, डीपीएम स्वास्थ्य दीपक कुमार, डॉक्टर सुशील कुमार पांडे, डॉक्टर अर्चना तिवारी, डॉक्टर अनूप कुमार सिंह आदि उपस्थित थे।